अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कद्दू की सब्जी बनाना सिखा रही हूँ, जिसे हम भोपला भी कहते हैं महाराष्ट्र साइड में, और ये है पम्पकिन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, ये इस तरह वाले छिलके का भोपला था, जिसका मैंने छिलका नहीं उतारी हूँ। हम इसे छिलके के साथ ही बनाएंगे, क्योंकि इसका छिलका बहुत आसानी से गल जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए भोपले, ये जो कद्दू है वो बहुत किस्म का मिलता है। एक तो पूरा वाइट होता है, और एक इस तरह वाला होता है जो हल्का पीला कलर का होता है, और एक ऑरेंज कलर का होता है। तो वो ऑरेंज कलर वाला जो रहता है वो मीठा रहता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, ये फीका रहता है। तो हम इसमें टेस्ट के लिए हल्की सी शक्कर डालेंगे, जिसका इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आधा किलो मैंने कद्दू ली हूँ, और एक ये बड़ी साइज़ की प्याज थी, तो मैंने इसे इस तरह स्लाइस में काट ली हूँ। तीन हरी मिर्ची ली हूँ, चीरा लगा ली हूँ, दो सूखी लाल मिर्च है, और ये है आमचूर, यानी ये है खटाई। अगर आपके पास ये ना हो तो आप आमचूर पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है लहसुन की कलियाँ, ये तीन लहसुन की कलियाँ थी जिसे मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। कड़ी पत्ता है 10 से 12, एक आधा टीस्पून जीरा है, और आधा टीस्पून राई है, और ये है दो मीडियम साइज के टमाटर, और गार्निश के लिए हरा धनिया। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, आधा टीस्पून हल्दी है और एक टेबल स्पून शक्कर है। तो चलिए हम बनाते हैं कद्दू की सब्जी, जो बहुत ही खाने में मज़े की बनती है, और इसे आप पूरी के साथ सर्व कीजिए तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में 3 टेबल स्पून तेल डाल चुकी हूँ। तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हमारा कड़ी पत्ता। तेल अच्छा गर्म हो गया है, धुला हुआ कड़ी पत्ते में पानी झाड़ के डालना चाहिए, नहीं तो तेल अपने आंख पे आता है। और ये है जीरा, राई, लहसुन की कलियां, गैस स्लो कर दी, तेल गर्म है, लहसुन की कलियां, और ये जो हमारी हरी मिर्ची है, इस तरह से इसे तोड़ के मैं डालूंगी। ये देखिए इस तरह से, और हरी मिर्ची, और साथ में डालूंगी प्याज। तेल गर्म था इसलिए राई भी जल्दी से तड़क गई थी, तो हमें रुकना नहीं पड़ा। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से। आप लोग इसे छिलके के साथ ही बनाना, बहुत अच्छा बहुत मज़े का बनता है, और ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं करना और ज़्यादा बड़े भी नहीं, बस इतना क्यूब्स में काट लेना इसे। और जो दूसरा वाला कद्दू होता है उसके छिलके आप लोग निकाल देना, क्योंकि उसके छिलके जल्दी गलते नहीं हैं। सिर्फ यही वाले कद्दू के छिलके हैं जो बहुत आसानी से गल जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब मेरी प्याज हो जाएगी हल्की सी गुलाबी, तो हम इसमें डालेंगे हमारे कद्दू की सब्जी। ये देखिए हमारी प्याज हो गई है गुलाबी, अब हम इसमें डालेंगे हमारी सब्जियां, जो हमें तेल में फ्राई कर लेना है, यानी तेल में इसे भून लेना है। अच्छे से इसे चलाएंगे, इसे हम अभी 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं ढक के, मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हम इसी तरह इसको ढक के छोड़ देते हैं। 2 मिनट बाद हम इसमें हमारे बाकी मसाले डालेंगे। देखिए हमें 2 मिनट हो गया इसे पकाते हुए, अब हम देखेंगे इसमें से आवाज़ आने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, साथ में डालेंगे शक्कर 1 टेबल स्पून, डालेंगे खटाई और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
गैस को करेंगे स्लो और इस तरह से मिलाते हुए हम इसे डालेंगे। अभी हमें इसमें टमाटर ये देखिए इसमें डालेंगे हम टमाटर। टमाटर के पानी से ही ये अच्छे से गल जाएगी। इस तरह से मिला लेंगे और अब हम इसे ज़्यादा नहीं स्लो गैस पे 7 से 8 मिनट इसी तरह छोड़ देंगे। इस तरह से बीच बीच में इसे हम देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। मुझे 3 से 4 मिनट हो गया है तो अब हम इसमें देखते हैं कि पानी है या नहीं, कि हमें ज़रूरत है पानी डालने की। तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पानी डालने की। ये देखिए खुद ब खुद टमाटर ने और हमारे कद्दू ने पानी छोड़ा है, तो इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएंगे। और ये थे धीमी आंच पे। अब हम इसे करेंगे मीडियम फ्लेम पे और 4 मिनट के लिए। तो टोटल हमें इसे 8 मिनट पकाना है। अब मैं कर रही हूँ मीडियम फ्लेम और ढक रही हूँ उसे। अब हम और 4 मिनट के बाद इसे देखेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गया है हमारी सब्जी को पकते हुए और ये गली है कि नहीं सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो ये गल चुकी है, देखिए कितने आसानी से कट रही है। और इसका छिलका भी देखिए, छिलके वाला भाग भी एकदम आसानी से, ये देखिए इस तरह से हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहे तो इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फोड़ भी सकते हैं, लेकिन सारी कद्दू को नहीं फोड़ना है, बस थोड़े से कद्दू को हमें इस तरह से हल्के हाथों से हम फोड़ लेंगे और इसे हम चलाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भेजिए। और अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, ये देखिए इस तरह से। और मैं गैस करूंगी बंद और मैं इसे करूंगी अभी एक प्लेट में सर्व। देखिए आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कद्दू बनाइए जिस तरह से मैं बनाई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और पूरी के साथ, तो इसका कॉम्बिनेशन है पूरी के साथ। जिस तरह से हम आलू का भरता पूरी के साथ खाते हैं, इसी तरह से ये कद्दू की सब्जी भी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है और फीके दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।